पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी, उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी, और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घड़ा मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहाँ आते, फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चरित्र उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे, उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी श्याम का है, दिन में गई थी, श्याम का हमारे पास है, श्याम का है। कहा जी, उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास श्याम का सामान है। तो उस कहने लगे रे भगत, फिर कल भी खा लियो, बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है, उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम देखे क्यों नहीं आए, वो एक और वहां भी था, उसने गिण रखे थे, सारे गिणवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि श्याम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे भूखे? वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, और हमें भगवान आगे से आगे देता, उसने क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता की तेरी? यह तो बात सही है, जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए आपके दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी, और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रूम कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी, वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है, अब क्या करूं मैं तो मेरे गया। बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी।
तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते ही सोचे एक और लू, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लू, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो तीस चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता अपने कहां घूमया करेगा सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने एक परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीती हो, अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसके इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का, पुराणों में कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिरा जंगल में धक्के खा रहा, और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है, झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहां कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बप्रीति हो, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंक हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते, क्योंकि वहां उनकी कुछ पुण्यात्मा होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बनाकर वह अंतर्ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर, नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे, ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुनकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझाया कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है, अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए तीन मंत्र का जाप है, ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया तब उनकी समझ में आई, फिर उनको सतनाम दिया यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया, फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था, और पीछे सोहम भेद बिचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। कहते नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी और सार शब्द पाया जद बई आवागमन बहुर डावे, तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था, लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से और साथ में रास्ते में एक मंदिर था,
मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे, नाम देव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी, वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जूती निकाल ली, जूती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को, और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धका में जावे नहीं, वो अपने मंडर उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट कर और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जूतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया, पंडित जी पिछली साइड में पिट जालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे, जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप पर रहा करते थे, अस्थाई सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की रंका और बंका की एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना कर हल्दी हल्दी कूट कर तेल में पका कर। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आट रही हूं। हक मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कते नहीं मानता भगवान, गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यह हंगामत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा, पर भाई तुम बाज नहीं आता, और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख ठाना पड़ता है, तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घोषण की, और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना, भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर, भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे हो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे, और क्या बनती बेरा तुझे, तेरे को जरा सी लगती है तू आंख नहीं खोलता, और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लायकी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए, भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया, और मैं वहां गया था उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए, और गुरु जी का हाथ जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए पट्टी बांधी, नामदेव पड़ कर तरणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी, बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेश अनुसार चलना चाहिए आपने, जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सारनाम देना था, इन बकवादों में सारनाम थोड़ा ही फलेगा, चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेच कर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं, ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव कि उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे, नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेसक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी निवर है, गुरु जी तो गुरु जी हैं,
तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूँ, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया, परमात्मा ने अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रस्ते में डाल देंगे, ठा ले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, बंका पीछे थी, रंका आगे आगे आव था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था, वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंका आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंका, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है, और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ ले, उस पर पैर से मिट्टी डालन लग गया। अब उसने देखा बंका ने क्या हो गया, पति के खड़ा क्यों हो गया, उसने ध्यान से देखा, कहाँ ये तो इस कारण से कर रहे। वो कहने लगी चलो चलो जी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो दो निकल गए, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले बोल भाई नामदेव कैसे दून ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई ले और भी तू कहेगा मैं वो अपना लेंगे। एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका ये दोनों सत्संग सुन चले गए, नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे, उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के माताजी पिताजी, माताजी पिताजी कहा क्या हो गया बेटा, कि झोपड़ी में आग लग गई, सत्संग चल रहा था और वो बताने भाग गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया, कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया, कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर वह ना होती, तहर सत्संग में बाद ना आनी चाहिए बेटी, आग लगो इस झोपड़ी के, इसने भी गिरा उसके माँ, और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बाद तो ना आती, तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव यह है पुणात्मा, फिर नामदेव की आंखें खुली रह, तेरा गजब जो भगत है ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका, कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे, तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए, बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ने भूख जावे। अपने आत्माओ आप तो बालक हो, परमात्मा के जो प्रयत्न थे आज से सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक, ये दास उनमें से गुजरा है अब वर्तमान में, और दास को तो 20 वर्ष ही हुए हैं, 20 वर्ष में कितना संघर्ष देख लिया इस सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए, 21 महीने जेल भी रहना पड़ा निर्दोष को, झूठे लोगों ने अफवाहें फैलाकर झूठे मुकदमे बनवा के, मेरे साथ आपके 30-40-50-60 भक्तों को भी यातना भुगतनी पड़ी आपके लिए, ताकि आप तक ये ज्ञान किसी तरह पहुंचे। और फिर भी गांव गांव में नगर नगर में जो दास ने प्रचार किया, वहां कितना संघर्ष और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, 20 वर्ष से मैं परिचित हूं, जो 120 वर्ष रहे उनके साथ के हुआ था, आपके लिए भटक रहे हैं वो आपके पिता हैं।
और आपने काल की भांग पी रखी माया की, आपका यो नशा उतरता को ना, इस गंदे लोक में सड़न लग रहे हो और सब अपने आप में टीटी पा कर रहे हैं। थोड़ी सी पोस्ट मिल गई, कोई बन गया छोटा सा अधिकारी, ने सोचा बस हो गया सब कुछ, अब तो ये तेरी पिछली कमाई है 10-20-50 वर्ष की, और फिर आगे अगले अगले में क्या होगा तेरे साथ, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे कि कुरड़ी चढ़ने जाए। आपकी वहां बुद्धि नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहां जा रही है, आपको समझा रहे हैं, इसको जोर दे, इसके ऊपर कुछ विचार कर, विवेक कर, तेरा भविष्य सुधरेगा, इस जन्म में भी सुख तुझे, परलोक भी सुखी होगा तेरा, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड में यह भांग डाल रखे इस कुएं में, जिसने इसका जल पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार और एक जैसी गतिविधि रखते हैं। अभी सत्संग से, परमात्मा के इन विचारों से आपकी ये एंटीबायोटिक टेबलेट कैप्सूल है, ये खाने से आपकी भांग उतरेगी, आपका नशा उतरेगा, आपकी आत्मा तड़फ उठेगी। रक्त रगज में जुल्म कर रहे हम अपना हित भी नहीं देख रहे, पर हित की तो बात बहुत दूर है। जब हम अपना हित देखेंगे तब हम परहित भी कर सकते हैं, जब तक हम अपना हित नहीं देख सकते तो हम परहित नहीं कर सकते, तो कितनी बात बना ली। आज आप देख रहे हो जिन आपके भाई बहनों ने अपना हित देखा कि हम कल्याण करवाएं, अपना भक्ति करें, और उनके घरों में कितना सुख, और फिर वो परहित कर रहे हैं। यहां देखो आप आते हो, आपके लिए बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, बनी बनाई रोटियां मिलती हैं, चाय तैयार मिलती है, प्रसाद तैयार मिलता है, हलवा तैयार मिलता है, खीर तैयार मिलता है। ये परमार्थ करना सीखेगा जिसने अपना हित सोच लिया कि मेरा हित इसमें है। अपने पेट के लिए तो हमारे दादे पड़दादे मर गए, 100-100 वर्ष धक्के खा के भटक गए, यो पेट पूरा ना होया। और जब हम परमार्थ करेंगे जब देखना, अपना भी हित होगा और पूरे विश्व का भी हित इसी में होगा। अब ये कितना परिवर्तन हो रहा है दास खुद देख रहा है। कहीं किसी का कोई धन पड़ा है, हमारा भक्त उठावेगा नहीं, और देख लेता है कि यहां किसी और गलत आदमी का हाथ पड़ गया तो हानि कर देगा इसको और नुकसान कराएगा, वो अलग बात है, लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करेगा। एक भक्त बता रहा था कि एक व्यक्ति के कोई जा रहा था, व्यापारी था, उसके 3 लाख रुपए गिर गए, एक थैला था, और मैं पीछे पीछे आ रहा था, मैंने वो थैला उठाया और देखा किस्मत पैसे है भाई, उसको मैं वहीं लेकर खड़ा हो गया, कम से तीन चार घंटे में वहीं खड़ा रहा आसपास, और वो आए फिर गाड़ी में, कभी रोके कभी देखे, मैंने उनके पास जाकर कहा भी क्या गुम हो गया जी, पैसे गिर गए मारे, कितने थे भाई, कितने थे, कैसे कैसे नोट थे, कैसे थे, यही थे, अकले आपकर 4 घंटे हो गए मैंने आपकी इंतजार करते। अनिता बच्चों, जब भगवान साथ ना होता देख काख में और किरा कि जाकर देखो पीछा, तो दास चाहता कैसा जमाना आवे और ये पता चले कि भगत ऐसे होते हैं, और फिर भगवान कितना प्रसन्न होगा आपसे। तो इस प्रकार हमने एक साधु भक्त और साधुता में आना पड़ेगा, हमने मन जीती बनना पड़ेगा। कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, आप मन जीत कर नो मन जीता जाएगा भगवान के ज्ञान से। जैसे अज्ञानता में अनजान बालक विष पड़ा हो, चाहे कितना ही पड़ा हो, पूरा खा जाएगा, और जब उसको पता चल जाएगा विष का एक कण कण भी कहीं गिरा हो और ये पता हो कि ये विष है, उसको छुए नहीं गा, उसको तो मिट्टी में दबाओगा, नीचे कोई और भी ना खा ले। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब क्या बताना चाहते हो, तुम होरी माने खुशी मना रहे हो और करो खाओ जहर सारा दिन,
दूसरों की बुरी सोचो, बुरी नीत रखो, रिश्वत लेते हो, फलान मिलावट करते हो, और तुम होरी मनाने की भी इंतजार कर रहे हो, खुशी की आशा करते हो। ये ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी? जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, किरका माने कण, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि जिसने ने वो पता लगा जहर है फिर कौन खाओगा। और फिर देखियो इस राम रंग परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेंगी। तो हम फिर हमें ये जहर दिखाई देगा, और 100% वैसे हम किसी का दूसरा के में लेते हैं जैसे हम दहेज लेते हैं। अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए और सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस्त खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठा कर बेटी पराई करता है। अब हमने ये प्रतिज्ञा करनी है कि ना दहेज लेंगे ना देंगे, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो। और क्यों, कैसे ना होगा? वाह भाई वाह, भगवान ने संस्कार जोड़ रखे, उसने मिटा कौन देगा? वो तो जबरदस्ती होगा, ना चाहते हुए भी होगा। ये तो हम बकवाद करते हैं, सिर्फ इन पैसे वालों ने शुरू की थी, मायादारी मस्करों ने, और मीडियम सतर के गरीब व्यक्ति तो बेमतलब उस परंपरा में पीछे जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना है, क्योंकि ये फिर हमने देना पड़ेगा अगले जन्म में। तो हम ये संस्कार घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, यदि भक्ति करनी है, और नहीं तो भी करो जो तुमने कर रहे हो, थारी मौज है। फिर भक्ति और मोक्ष की इंतजार मत करियो, लेकिन मर्यादा भंग करके चलोगे तो मर्यादा में रहो, आप भी सुखी, आपके बच्चे भी सुखी, आपकी बेटी भी सुखी रहेगी, क्योंकि आप उसको भगवान से जोड़ दो। जब भगवान साथ होगा तो उसकी कमी किस चीज़ की रह जाएगी? जब नीतर भक्ति सच्चे मन तक करेगी, वह लगन से रहेगी, मर्यादा में रहेगी, अगले कुल को भी सुधार देगी हमारी बेटी जा करके, उनको विवश होना पड़ेगा उसकी साधना को और उसकी नेचर को देख करके। तो इसी प्रकार ये प्रचार होगा। अब जैसे एक समय परमात्मा यही ज्ञान दिया करते जो दास आज दे रहा है, अब दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे, कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया, और वो शिक्षा आज काम आ गई, इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ, अब ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो, और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे, संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा, और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधागदा होगा। एक अंधागदा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था, उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी, उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात हो आगरे पिछली, कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोके आगरा हो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है, ये छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी, जब निकट आ लिया उठाकर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया भाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था।
इसी प्रकार जो परमात्मा के सत भक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधागदा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा, हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा, ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा, जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा, और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाकर उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया और वो मर के भारत में गधे बन गए, उनके के काम आया वो तो उन मूर्खा के काम आया वो, कर्म कर्म बिगाड़ गए। तो यह आंख ये अंधेरा हटेगा आपका, पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करें आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्मा अपरमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ, उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि इधर खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया, 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहां से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूंगा, वहां ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे फांसी दे दूंगा, उसको ऐसे लाभ दे दूंगा, और आगे की बनाएगी, फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे है कि तकुरने चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था, एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए एक सेकंड में, खा कहिए, और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खाओ ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ढोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा,
और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं एक पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करी छल की। पुण्य पाप किली बांधे पोटरिया या कैसे हो हल्की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा जला झलकी। जैसे कोई नेता बन गया है, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई इंजीनियर डॉक्टर जज और कोई मंत्री प्रधानमंत्री बना हुआ है, आज कहते हैं आप ऐसे चमक रहे हो इन अन्य नागरिकों में जैसे चंद्रमा तारों के बीच में शोभा पाता है। और यदि आप जिन्हें भक्ति नहीं करी तो क्या होगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी। फिर बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की खबर नहीं पल की। कहते फिर कुत्ता बनकर टट्टी खागा, अब तू ताकत दिखा रहा है अपने पद की या कोई और किसी कारण से, भूल गया तू भगवान के विधान को। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात कर बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक समय एक भक्त बता रहा था कि जब मैं रिक्शा चालक था, अब रिक्शा चालक ने नूर है कि कार हो जब आनंद हो, मेरे पास कार होती तब बस पता नहीं कितनी कमाई करता, ठाट से रहता। जब मेरे पास से कार निकलती और मैं रिक्शा पर चला रहा होता तो कार घनी याद आया करती। एक दिन सपने में मुझे कार मिल गई और कार मिल गई तो मैं फुल स्पीड पर चला रहा उसको, और रोकना चाहा ब्रेक लगाने के लिए मैंने जोर से पैर मारा, मेरी वह रजाई थी वह पार्टी की, उसके माँ का पैर निकल गया बीचों बीच। अब एकदम आँख खुली, झटका लग गया कि गाड़ी तो रुकी नहीं, देखा था इतना पार बार आ रहा रजाई तो कित की कार किसके स्पीडर के ब्रेक।
अब सपना टूटने बाद से पता चला उसने किसी थी वाकार, ऐसे आपकी मृत्यु होगी, आपका सपना सा टूटेगा और आप देखोगे कौन बेटा था कौन बेटी कौन कार कहां हमारी कोठी थी। खयम के दूत बां पकड़ रहे होंगे, चल पच्चा हम बताएंगे तेरी कहां कोठी थी, अब नरक में है तेरी कोठी वहां चल। ये संसार रैन का सपना जैसे ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब है साधना, यानी सच्चे नाम के अतिरिक्त इस सही साधना के अतिरिक्त आप जो भी भक्ति करते हो तो इसमें यही फंसाए रखने वाली है, ये बाहर नहीं निकाल सकती। जैसे दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य साधन की आवश्यकता होती, अपने ही पैरों से हाथ पैर मार कर नहीं निकल सकते। सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं बल्कि, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, अंत समय जब चले अकेला कर आसुने निढल की, अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने निढल की, कहे कबीर शरण गह मेरी, कहे कबीर शरण गह मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। अब क्या बताते हैं परमात्मा, याद दिलाते हैं सौ सौ बार हमें, झंझोड़ रहे इस आत्मा को, तू कहां के क्या कर रहा है, भली आत्मा तू कर क्या रही है, तुझे करना के चाहिए था। कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जिस दिन तू छोड़कर जागा तो टक्कर मार कर रोएगा, कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा ना तेरे साथ कोई आया था, ये तो काल का संस्कार वश ये जुगाड़ जुड़ रहा है। तो इसके लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें ये कुछ भी याद नहीं आएगा, हम ऐसे ऐसे जाएंगे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हम मर रहे हैं, हम यहाँ ये मिट्टी छोड़ देंगे तो कौंचली है, जैसे सर्प कौंचली छोड़ जाता, सर्प तो अलग है वह कौंचली तो और उन्नरी है उसके पास, इसी प्रकार हमारी इस बॉडी के अंदर और बॉडी है जो ओरिजिनल है, और इस मिट्टी वाली से उसके अंदर हमने वह शक्ति पैदा करनी है, जो पाप करते वो पाप इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य और भक्ति करेंगे भक्ति से उसमें ताकत आ जाएगी, उसके कारण फिर हम चलते समय हमें कुछ भी याद नहीं आओगे, एक सेकंड में ऊपर पाओगे बैठे। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और फिर याद करते हैं, ओहो ये रह गया वो रह गया, फिर मृत्यु के बाद वहीं कुत्ते गधे बनकर वहीं घूम रहे होते उन्हीं गलियों में और अपने परिवार के सदस्यों के लठ खा रहे होते। तो इस प्रकार हमने ये क्या बताना चाहते हैं कि अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है, तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का परिवार का माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थरा सुल जेढ़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, महीना डेढ़ हो गया और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष का डेढ़ वर्ष का, वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह दे मुंह गिर गया, और हम कहीं बातें कर रहे थे काम कर रहे थे, चार घंटे के बाद वो बच्चा से वाला मरिया पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो मेरा बालक जिंदा हो जाए, टक्कर मारी।
और 4 घंटे पानी में मुंह दे मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था, जब उसका पिता आया तो उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव के। फिर डॉक्टर के पास ले गई, आईसार बता रहे थे, उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को ले आ रहे थे जी, सारा परिवार नाज नाम भी ले लिया। देखो कहते कह कबीर शरण गए मेरी, जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। अब ज्ञान सुन रहा है पूरा संसार, लगभग काफी भारतवर्ष में तो बहुत सुन रहे हैं इस साधना चैनल पर, इस पुस्तक में भी पढ़ रहे हैं और हमारे भक्तों से भी वो ज्ञान सुनकर। अब वो ये सोच रहे हैं कैसे चले, इसको कैसे छोड़े, उनकी हिम्मत ना बढ़ रही आने की। अब हमें एक बात याद आवे, छोटा हजब दास पढ़ा करता 4th-5th कक्षा में, और जिस दिन स्कूल में टीचर ना आते वो क्लास के बालक एक तालाब था, उस तालाब पर स्नान करने भाग जाया करते दिन में, हम भी चले जाते थे। और क्या करते थे, एक वृक्ष था बड़े बट वृक्ष, और उसका ऐसे लंबा सा टहनी डारी ऊपर जा रही थी और उस पर चढ़कर छलांग मारा करते जल में, और एक बच्चा चढ़ गया ऊपर, पहली बार चढ़ गया ऊपर और तक कूद गया उस पर, ना छलांग लगी और नो बैठा बैठा ना नीचे उतरिया जा उस पर और ना छलांग लगाई जा, वो और तक अरे लगा दे छलांग कुछ ना, मैं ना हूं। क्या हुआ कि एक बंदर, बच्चे बंदर के डले मार रहे थे दूसरी साइड में और बच्चे, वो भागता भागता उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसी टहनी पर चढ़ गया, उसने देखा बंदर आ गया, फटते ही कूद गया उसने, उस तालाब में छलांग मार गया वो लड़का उस बंदर के डरते है। और बंदर दिख गया और फिर उसका ऐसा दिल खुला, फिर उनसे भी ऊपर जाकर छलांग लगाने लग गया। तब ये बैठे हैं सारे ने सुन के कुकर चल रहे, ये बंदर भी भगवान दिखाओगे इन्हें जब आओ गड़ बाजे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की कृपा से ही ये सब आपके ऊपर रहम हुआ है, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है, स्त्री या पुरुष का, और पिछले संस्कार से ही आपके अंदर परमात्मा पाने की प्रेरणा प्रबल रही है। बचपन से ही आप कोई ना कोई साधना कर ही रहे थे, तो जो साधना कर रहे थे हम उसको सही मानकर ही कर रहे थे। जब तक हमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का ज्ञान नहीं होता तब तक हम डुप्लीकेट नोट को भी छुपा कर सीने से लगा कर रखते हैं, और जिस समय हमें कोई ज्ञान करा देता है नकली और असली दोनों साथ साथ रख गए, तो फिर हम दुख तो बहुत होता है कि मैं ठगा गया और नकली नोट लिए फिर रहा था, लेकिन उसका अब कोई यूज नहीं, उसको फेंकना ही पड़ता है। तो पुण्यात्माओं जो साधनाएं हम कर रहे थे वो शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है हमारे सदग्रंथों में परमात्मा ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है। और हम परमात्मा की साधना भक्ति इन तीन कामों के लिए ही करते हैं, हमें या सुख हो, हमें ऐसी ताकत मिले सिद्धि मिले जिससे हम अपने लोक जा सकें और परम गति हो। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, इसके लिए सदग्रंथों को ही प्रमाण मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, क्योंकि जो सदग्रंथ है वो गॉड गिवन है। कौन से सदग्रंथ? पवित्र सूक्ष्म वेद, जो भगवान स्वयं आकर बोलते हैं, और पवित्र चारों वेद सूक्ष्म वेद के अंदर इन, वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, ऑल इन वन है, जिसमें चारों वेदों वाला भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान है, और जिसके अंदर इन पुराणों का भी निष्कर्ष है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये अजर अमर हैं या नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है या नहीं है, इनके माता पिता हैं या नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म वेद के अंदर, यानी सभी ग्रंथों का वो तो सार है, उसके अंदर सब ग्रंथ है, फिर भी हम एक विशेष प्रचलन हमारे पास रहा है, विशेषकर पवित्र चारों वेदों का, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का, पवित्र पुराणों का। तो इनमें जो पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और परमात्मा के दिए ज्ञान को परमात्मा ही समझ सकता है या समझा सकता है। तो स्वयं परमात्मा आते हैं तभी यथार्थ ज्ञान कराते हैं। उस परमेश्वर ने यहां के इन वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, ना इस गीता से, ना उन पुराणों से, क्योंकि उस परमात्मा का ही दिया हुआ वो ज्ञान है, और इसलिए वो अपना सारा ज्ञान हमारे लिए स्वयं आकर के पुनः बताते हैं। और इन वेदों को और गीता को हम एक बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे हैं हम हिंदू धर्म के सभी पुण्यात्माएं। तो इन वेदों और गीता को समझना कोई जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा बुद्धि देता है अपने कृपा पात्र को, तब ये वेद और गीता समझ में आती है। आज तक ये वेद और गीता न तो श्री ब्रह्मा का, ना विष्णु जी का, ना शिव जी का, किसी का समझ में नहीं आई, और न ही इन ऋषि महर्षियों को, इवन राइटर ऑफ द वेदाज एंड गीता एंड पुराणाज श्री वेद व्यास जी, ये भी इन सदग्रंथों से अपरिचित थे, इनके ज्ञान से अपरिचित थे। अब ये बात अगर 100 साल पहले कोई कहता, 200 वर्ष पहले कोई कहता, तो बहुत बुरी लगती और ना जाने कितना विरोध होता। यही बातें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, परमात्मा के साथ कितना संघर्ष और विरोध हुआ था, और उसी ने दास को ज्ञान दिया, और दास ने ये आज से 20 वर्ष पहले कहना शुरू किया था, और दास के साथ कितना संघर्ष हुआ ये सर्वविदित है। 21 महीने जेल भी झूठे केस में दास ने रहना पड़ा, साथ में आपके भाई बहन जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, आपके भाई पहले से लगे थे, इस ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। तो कहने का भाव ये है, ये ज्ञान पहले बोला जाता तो नहीं स्वीकार्य था, परमात्मा ने साथ साथ हमें ऐसे औजार दे दिए, इंस्ट्रूमेंट दे दिए, ऐसे उपकरण दे दिए कि हाथों हाथ सच्चाई आप तक पहुंचगी। सबसे पहले आपको शिक्षित किया, सन 1960-65 के बाद इस शिक्षा की ऐसी बाढ़ ला दी परमात्मा ने, सबके हृदय में ऐसी प्रेरणा कर दी कि अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये तो हमें पता है कि शिक्षा के बाद कितनों को सर्विस मिली है जिस उद्देश्य से पढ़ा करते थे, लेकिन अब दास की आंखें परमात्मा ने जो खोल दी, पता चला है कि मालिक ने इसलिए पढ़ा था कि मेरे बेटा बेटी मुझे पहचान सकेंगे। आज तक यही अंधेरा रहा कि हम भगवान को पहचान नहीं सके, सदग्रंथों को हम समझ नहीं सके। जिनको हम विद्वान मानते थे वो संस्कृत भाषा तो जानते थे, व्याकरण भी बढ़िया थी, लेकिन वेद गीता और पुराणों का वो कैखा नहीं जानते थे। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, ये सारा खेल भगवान कर रहे, कबीर भगवान आपके लिए।
हमारी बुद्धि तो बाद में काम करेगी कि परमात्मा ने ये लीला क्यों की थी। आज देख लो पढ़ाई के ऊपर कितना नौछावर हो रहे हैं, सब परिवार अपने बेटा बेटियों को ट्यूशन लगवाते हैं और जो भी होमवर्क टास्क वर्क किसी तरह कराना पड़े, कितनी कॉस्टली पढ़ाई बना दी, पढ़ाते ही पढ़ाते। और ये हमें मालूम है कि 10% ही पढ़ाई का जिस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं वो लाभ उठाते हैं, 90% अपना दैनिक कार्य ही कर रहे हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा ने शिक्षित किया कि आप भगवान को पहचान के और भक्ति करके इस दीर्घ रोग का नाश करवा लोगे, फिर सदा सुखी होगे। असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी आपकी, जो दास पढ़ा रहा है ये शिक्षा आपका यहां भी काम आएगी और परलोक भी शुद्ध रहेगा, सतलोक चले जाओगे जो सदा सुखी रहो। तो प्रश्न चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान देते हैं, वो विधान बताते हैं, नहीं तो इन वेद और गीता को 5500 वर्ष हो चुके हैं, 5500 वर्ष हो चुके हैं इन वेदों और गीता को लिखे हुओं को, कागज पर उतारे हुओं को, और इनको याद करके कोई चतुर्वेदी प्रसिद्ध हुआ, चार वेदों को कंठस्थ याद करना कोई बालकों का खेल नहीं है, वो भी कर लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद वेदों के पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष नहीं हुआ, विद्वान बन गए वह, अज्ञानी बन गए, अभिमानी बन गए। किसी ने 3 वेदों को कंठस्थ किया वो त्रिवेदी कहलाए, किसी ब्राह्मण ने 2 वेदों का को कंठस्थ कर लिया याद, परंपरा थी उनकी, सभी करते थे याद ऐसे, तो द्विवेदी कहलाए, लेकिन मोक्ष नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जितने भी ऋषि महर्षि थे, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इन वेदों से अपरिचित थे, ये अज्ञानी थे, इनको ज्ञान भक्ति का नहीं था। अपने अपनी जॉब में, अपने सिलेबस में, चाहे कोई कितना विद्वान हो, जैसे कोई संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत में वो कितना विद्वान हो बना रहे, कोई इंग्लिश पढ़ता है इंग्लिश में कितना विद्वान हो बना रहे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अंदर वो 0 है, -0 है। तो ज्ञान अध्यात्म भगवान बताते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान आप कराते हैं, वेद प्रमाणित करते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं आकर ही ठीक ठीक बताते हैं। जिन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये तो हैं गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज। और रही बात पुराण और उपनिषद, ये किसी ऋषि और संत साधु की अपना अनुभव है, अपना ज्ञान है, जैसा उसने भगवान को जाना। 18 पुराण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्मा जी से दक्ष आदि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उनसे फिर आगे ऋषियों ने प्राप्त हुआ, उन्होंने कुछ तो ब्रह्मा जी का ज्ञान, कुछ अपना अनुभव, और उसमें एड करके 18 पार्ट कर दिए इसके। तो ये जो वेद से और गीता से ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो उन ऋषि महर्षियों का अपने घर का है, हमारे काम नहीं। और वेद और गीता में जो ज्ञान है, यदि वो सूक्ष्म वेद में मिलता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कुछ इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है, जिसमें इसने युद्ध कराने के लिए बकवाद करी है, उदाहरण पर्याप्त होता है। दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में यह दोगला ज्ञान दे रहा है। एक तो कह रहा है कि अर्जुन यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यानी लोभ लालच दिखा रहा है।
फिर 38वें श्लोक में कह रहा है दूसरे अध्याय के गीता जी में कि अर्जुन लाभ हानि न भूल के छोड़ के और निष्काम भाव से युद्ध कर ले, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, कोई बात हो ही है। लाभ हानि तो पहले आप बता रहा है कि मर गया तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो सुख भोगेगा, और फिर क्या लाभ हानि छोड़ दे। तो ये इस तरह की जो बकवाद है गीता में, ये तो है इस ब्रह्म काल की। बाकी जो शेष ज्ञान है, जो अध्यात्म सत्र का, भक्ति मार्ग का, वो बिल्कुल वेद वाला ही है। ये क्या था कि परमात्मा ने ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, सवसम वेद भी कहते हैं, परमात्मा ने सबसे पहले इस, जब ये सृष्टि रची थी काल की, इस काल के अंतःकरण में फैक्स कर दिया था, ईमेल कर दी थी। आज से अगर 50-100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते तो आपके कति यकीन नहीं होता। अब जो हम भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं, परमात्मा की अध्यात्म विज्ञान है, इससे हजार लाख करोड़ गुना सूक्ष्म और तेज है, ज्यादा एफिशिएंट है। उसको समझने के लिए इतना पर्याप्त है जैसे आज हम, आप अपने कंप्यूटर से कितना मैटर और कहाँ भेज देते हो, 1000 किलोमीटर दूर, और बीच में कोई तार नहीं, वहां जाके निकाल लेते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने सतलोक से इस काल के हृदय में एक सूक्ष्म वेद कंप्लीट भेज दिया था, और उसका निर्धारित समय रख दिया। जैसे बच्चा पेट में स्थापित होता है गर्भ, और 9वें महीने वो बाहर आता ही आता है, किसी के बस की बात नहीं। ठीक इसी प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, यानी दुर्गा देवी और काल ये दोनों पति पत्नी हैं, ये गुप्त रहता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी के सामने नहीं आऊँगा। क्यों? इसने गलती गढ़ी कर रखी है। इसको श्राप लगा है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाने का, तो ये सामने आ जाए सबको पता लग जाए ये कसाई है, तो सब इससे नफरत करें, इसलिए छुपा रहता है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तम व्यक्ति अपनम मनंते, मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में आया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, मैं छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल घटिया विधान है, अनुत्तम अवय। तो कहने का भाव यह कि ये छुपा रहता है और सारा काम करता खुद है, किसी में प्रवेश करके, किसी को प्रेरणा करके, रिमोट इसके हाथ में है 21 ब्रह्मांड के प्राणियों का। तो जिस समय ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों की इन्होंने उत्पत्ति कर दी और इनको कोमा में डाल दिया और इनकी परवरिश जारी रखी, जब ये युवा हो गए तो इनको कोमा से बाहर कर दिया, सचेत कर दिया, और फिर लंबी कहानी है लेकिन आज विषय दूसरा है। फिर क्या हुआ, काल के अंतःकरण से, इस ब्रह्म के हृदय से ये सूक्ष्म वेद बाहर आया। ये एक वेद था पहले, इस काल ने देखा कि इसमें तो तेरी पोल खुलेगी और जीवों को सारा पता चलेगा कि परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति की विधि ये है, और इनको ये पता चल गया ये सब भाग जाएंगे, ये हमें धोखा करके यहां लाया है, और इसका निजी स्वार्थ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाता, आप देख दो यहां बुचड़ खाना खोल रखा, कि तो बस खड्डे में गिर गई, 50 मर गए, कि तो भूकंप आ गया, कहीं रेल दुर्घटना, कि तो विमान दुर्घटना, हाहाकार मची है, कैसे वैसे डेथ, कोई नेचुरल डेथ, कोई बीमारी से मृत्यु, और ये 1,00,000 जीवों को रोज खाता है। ये ऊपर का कवर खाने का नहीं है, जैसे बादाम के अंदर एक गिरी होती है उसको खाया जाता है, और ऊपर का कवर खाने का नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि इसने फिर देखा कि अब बात बिगड़ जाएगी और तेरा तो खेती उजड़ जाएगी, इसने खेती बना रखी हमारे को, जैसे कसाई बकरे बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं और बड़े खुश होते हैं उनको देख करके, और कोई एक दूसरा बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सींग मार देता है तो भेड़ मरते हैं, तूने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया, और श्याम नव काल सब ने काट ले जाता है, बच्चे को, बेटे को, माँ को भी,
तो हम सब 21 ब्रह्मांड में इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश हम काल के इस कसाई के बाड़े में रह रहे। परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, बच्चों कुछ आंख खोलो, असंग जन्म हो गया आपने इस कसाई के इस जेल के अंदर दुख पाता। अब ये गोल्डन चांस है, जब निकला जाते इस ज्ञान में ग्रहण करो, हृदय में जचाओ और इस गंदे लोग से मन हटाओ, हटेगा इस ज्ञान से। तो इसने क्या किया, जो विशेष रहस्य और मूल ज्ञान था इसने नष्ट कर दिया। इसने छांट छूट कर 4 वेद रख लिए ताकि इनको ये मिसगाइड भी रहे। कंप्लीट ज्ञान नहीं है चारों वेदों में, केवल ओम का नाम है, ओम ब्रह्म तक की साधना है। और वेदों में ये भी लिखा कि परमात्मा कोई और है, वो तो गुप्त रहता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं वहां दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, वो परमात्मा गुप्त है, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। अब इसने ये तो हिंट तो कर दिया, लेकिन वो नाम नहीं पता, वो खत्म कर दिए, इसको खुद नहीं मालूम क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिए। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 मंत्र 26 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे केयर टेक करता है, 3 प्रकार के शरीरों से, 3 स्थिति से। एक स्थिति है परमात्मा सतलोक में रहते हैं, एक सिंहासन के ऊपर यानी तकत कहते हैं, जैसे दिल्ली के तकत पर, जैसे हम पढ़ा करते इतिहास, दिल्ली के तकत पर अकबर बादशाह का शासन था, तकत माने सिंहासन राजगद्दी। तो परमात्मा सतलोक में सिंहासन पर अनंत कोट ब्रह्मांड के राजा महाराजा सम्राट के रूप में विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और एक बहुत सुंदर गुम्बज है बहुत बड़ा, जैसे ये मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, मंदिरों की स्थिति तो अलग बना दी, लंबी चोटी कर दी, उसकी चोटी लंबी नहीं है, गोलाई है, गुम्बज टाइप, और उसके अंदर मालिक बैठे हैं जिनके एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम कहते हैं, और जहां बाल उगा है उसको रोम कूप कहते हैं। तो एक रोम की परमात्मा के प्रकाश इतना है जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीका पड़े, इतना नूर है उस परमपिता के, पूरी बॉडी का अंदाजा लगा सकते हो आप। तो वहां वो बैठे हैं। दूसरी स्थिति में वही परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं हमारे लिए, एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से आते हैं, एक किसी तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके, बालक का, छोटे बालक का रूप धारण करके वो विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति, कोई जिनका संतान ना हो, बे औलादे, वो पति पत्नी उनको उठा ले जाते हैं। वहां परमात्मा की परवरिश की लीला होती है, और परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब ये तो है वेद ज्ञान, ये दूसरी स्थिति में परमात्मा ऐसे आते हैं, और तीसरी स्थिति उनकी क्या है कि वे कहीं भी कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत महात्मा या कोई अन्य रूप बना के, और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भी यथार्थ ज्ञान समझाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं और सतलोक से परिचित करा के उनको वापस छोड़ देते हैं। कलियुग के अंदर इस परमात्मा की लीला विशेष पिक्चर में है, विशेष प्रमाणित है, इसी से अंदाजा लगा लेना कि 4 युगों में परमात्मा ने ऐसा ही किया है। तो इसमें जो तीसरी स्थिति में परमात्मा आए हैं वो किन किन महापुरुषों को मिले हैं जो दास के नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने जिला जोधर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी,
काशी वाले आचार्य पंडित जी उनको मिले थे। आज आपको जो परमात्मा कलयुग के अंदर प्रकट हुए उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को हम समझ नहीं सके और हमारे धर्म गुरु कबीर परमात्मा को एक धानक, एक सूदर, एक जुलाहा कह करके उनसे हमारे हृदय में उनके प्रति नफरत पैदा कर रखी थी कि वो तो सूदर जाति का था, अनपढ़ था, वो पता नहीं क्या क्या बकवाद करता था, और यहाँ तक बकवाद कर रखी थी कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी का जन्म लिया था और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई थी कि इन लोगों ने तो ठेका ले रखा था, काल के एजेंट बन गए थे ये, भगवान से हमें दूर रखने का इन्हें कंटेक्ट ले रखा था, अग्रीमेंट कर रहे थे काल से, लेकिन ये अग्रीमेंट कब तक चलेगा मालिक के सामने। परमात्मा ने समय रख दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जावे जब एता, कलयुग बीते 5500 जब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता तब सकल जीव परम पुरुष पद चेता। तो इस समय इब आ गया भगवान के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको परमात्मा ने इस दास के माध्यम से करवाना है और वो करवाई दी है। अब तो क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही होता है, उनका कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं होता, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, कोई मीन मेख नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं आए और अपने प्यारी आत्माओं को अपना विटनेस बनाया, गवाह बनाया, साक्षी बनाया, जिन महापुरुषों के शुभ नाम दास ने अभी आपको बताए, इनको परमात्मा ने साक्षी बनाया। इनमें से विशेष रोल जो रहा है एक धर्मदास जी का, और दूसरा रहा है विशेष रोल आदरणीय गरीबदास साहेब जी का, क्योंकि इन दो महात्माओं को परमात्मा ने विशेष ज्ञान दिया है। ज्ञान तो और भी महापुरुषों को दिया क्योंकि भगवान से परिचित करा दिए, लेकिन उनकी जो वाणी थी वो कंप्लीट हमारे हाथ लगी नहीं। और धर्मदास जी के द्वारा जो कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली जो भी लिखवाई थी, बीच में लंबा समय बीत जाने से काल के दूतों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया, कुछ निकाल दी। कबीर सागर में या कबीर साहिब की वर्तमान चल रही किसी भी लिटरेचर में जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, श्याम नाम देखते हो, वो किसी में नहीं मिलेगी आपको इसे। और ये है कबीर साहिब की, तो ये उनमें नहीं है, तो ये निकाल दी गई उनके द्वारा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि बर्मा पंथ जब होगा 1774 में उसका जन्म होगा, विक्रमी संवत 1774 में, सन 1717 में। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।